मुकेश की। आज 3 हफ्ते हो गए, मुझे एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। लो तुम ही पढ़ लो। मुझे नहीं पढ़नी किसी की चिट्ठी। आ कब रहे हैं? आने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लिखा है कि सरकारी दफ्तर से कागजात निकालना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। 2 दिन का काम 10 दिन में होता है, इसीलिए देर हो रही है। जब देखो दुनिया भर के फालतू काम लेकर बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को कभी शादी करनी नहीं चाहिए। अरे भाभी, तुमने तो अपनी बात कह दी। मैं यहाँ बैठा बैठा क्या करूँ? मेरा काम तो सुबह 2 घंटे में खत्म हो जाता है। फिर चले क्यों आए कटक से? अरे मैं क्या करता, उसने कहा तुम जाओ, यहाँ मुझे टाइम लगेगा, घर में भी बहुत काम रहता है। हाँ, घर का सब काम जैसे तुम दोनों ही करते हो, एक चिट्ठी लिखने की भी फुर्सत नहीं है। माफ कीजिए, मेरा नाम भूपेश चटर्जी है, मैं नीचे मेस में रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आपको कहीं बार आते जाते देखा है। आप नीचे मेस में रहते हैं? जी जी जी। आपका नाम मालूम नहीं था। आइए 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 आइए। 2 महीने पहले मैं कलकत्ता ट्रांसफर होकर आया था। अच्छा, बीमा कंपनी में नौकरी करता हूँ ना। अच्छा अच्छा, कब कहाँ जाना पड़े कुछ पता नहीं, बदली की नौकरी है, पता नहीं कल ही तबादला हो जाए। आप बीमा कंपनी में हैं? जी। माफ कीजिए, मैंने कभी बीमा नहीं किया और ना ही कराने का इरादा है। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। देखिए, मैं बीमा कंपनी में नौकरी जरूर करता हूँ, लेकिन मैं कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूँ। मैं तो किसी और काम से आया था। जी, अकेला हूँ ना, शायद इसलिए। मुझे ब्रिज खेलने का बहुत शौक है, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ ब्रिज खेल ही नहीं पाया। दिन ही नहीं करता। बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों को तैयार किया है, वो हमारे ही मैच में नंबर 3 में रहते, अब 4th आदमी नहीं मिल रहा। यहाँ किसी को ब्रिज खेलने का शौक ही नहीं है। आप कह तो ठीक ही रहे। वैसे अब तो खेलने की आदत रही नहीं, लेकिन आजमा कर देख लेते हैं, बुरा क्या है। ये हुई ना बात। तो चलिए मेरे कमरे में चल के खेलेंगे, वहाँ सब इंतजाम है। अरे राम बाबू, बनवाली बाबू, दोनों आ जाइए। आज मैं तिमंजले के अजीत बाबू को पकड़ लाया हूँ। आए अभी। आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, यहीं खेलेंगे। आज की 2 गड्डी रखी है, मैं जरा फटाफट चाय बना के लाता हूँ। अरे आइए 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 भाई, मैं आप लोगों का परिचय करवा दूं। यह है रामचंद्र राय और यह है बनमाली चंद्र। अच्छा, नमस्ते। दोनों एक ही कमरे में रहते हैं और एक ही बैंक में काम करते हैं। अच्छा। और आप हैं हमारे तिमंजले वाले अजीत बाबू, ब्योमकेश बाबू के साथी। बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए। आप दोनों क्या मौसेरे भाई हैं? मैं बनिया हूँ और बनवारी बाबू कायस्थ हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ये क्यों होने लगे? आप भी अजीत बाबू। अरे बस मैंने तो यूं ही। चलिए पहले चाय पीजिए। अच्छा। लीजिए, फिर खेल शुरू करते हैं। ठीक है। दीदे, 9 बज गए हैं, मालूम है? अरे भाभी, आज तो मजा आ गया। मैं तो सोच रहा था कि ब्रिज खेलना ही भूल गया हूँ, लेकिन जीत हमारी हुई। मालूम है, 2 आने जीता हूँ, 2 आने। 2 आने जीतो या 2 रुपए, इतनी देर बाहर मत रहा करो। वो देखो, वो गली से बाहर भाग गया। वो देखो, देखा आपने? वो गेरुए रंग का शॉल ओढ़े, वो देखो, वो भाग रहा, वो गया। मामला क्या है? आवाज सुनी आपने? इस खिड़की के नीचे गली से आई। अभी जैसे ही मैंने खिड़की खोली, दम से आवाज हुई, और मैंने जब झांक के देखा तो एक आदमी दौड़कर गली से बाहर भाग गया। इस कमरे के ठीक नीचे वाले कमरे में एक सज्जन रहते हैं, कहीं आवाज उनके कमरे से तो नहीं आई? क्या मालूम, इस कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता तो है, लेकिन मैं उसे नहीं पहचानता। आप? जी,
नीचे वाले कमरे में नटवरला नस्कर रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर चलिए, अगर वो सज्जन नीचे कमरे में हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आवाज कहाँ से आई। ताला तो खुला है, लगता है अंदर ही है। नटवरलाल, नटवरलाल, शायद वो अंदर नहीं है, चलिए चलते हैं। अरे जब ताला खुला है तो अंदर चलकर देखते हैं। आइए। दरवाजे के पीछे लाइट का स्विच है, मैं लाइट जलाता हूँ। नटवरलाल नस्कर मर गया? ये तो वाकई मर गया, और लगता है पिस्तौल की गोली से मरा। वो देखो, वो रहा पिस्तौल, वो खिड़की के पास पड़ा। वो देखो, लगता है मारने वाले ने खिड़की के बाहर गली में से नटवरलाल को गोली मारी, और हड़बड़ाहट में पिस्तौल वहीं छोड़कर भाग गया। लो, मैनेजर बाबू भी आ गए। आप लोग कब यहाँ? क्या हुआ? आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। ये क्या हुआ? नटवरलाल का खून हो गया? कैसे खून हुआ? उधर देखिए, सब पता चलेगा। पिस्तौल की गोली से मरे हैं। किसने खून किया? कब किया? किसने खून किया ये बता नहीं सकते, लेकिन कब हुआ ये बता सकते हैं। कब? सिर्फ 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले? आप लोग सब यहीं पर थे? जी नहीं, हम यहाँ नहीं थे, हम ऊपर भूपेश बाबू के कमरे में बैठे थे, वहीं गोली की आवाज सुनी। नीचे आए तो देखा नटवरलाल का कमरा खुला था, अंदर आया तो देखा मरे पड़े। कमरा खुला था? किसने खोला? आप क्या आज सारा दिन ये गेरुए रंग का शॉल ही ओढ़े हुए थे? हाँ, क्यों? आप अभी घर से आए या कहीं बाहर से आए? क्यों? बस ऐसे ही पूछ लिया। हाँ, पहले से निकला हुआ हूँ, कुछ जरूरी काम से बाहर गया था, लेकिन अब क्या करूँ? क्या करें इसका? सबसे पहले तो हमको पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन अजीत बाबू, हमारे मेज पर टेलीफोन तो नहीं है, आपके यहाँ तो है, आप जाके कर दीजिए ना। ठीक है, मैं पुलिस को खबर कर देता हूँ, लेकिन तब तक, जब तक पुलिस ना आए ना, आप सब लोग यहाँ बाहर खड़े रहिए। आइए, चलिए चलिए चलिए। अरे, आज बड़ी जल्दी आ गए, खेलने नहीं गए? आज खेल नहीं हुआ भाभी, मैच में किसी आदमी का खून हुआ। जोमकेश को बुलवा रहे हो? नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर। हेलो, इंस्पेक्टर गोवा है? जी हाँ, जल्दी दीजिए। हेलो, देखिए, मैं हैरिसन रोड से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ब्योमकेश बख्शी का साथी हूँ। जी देखिए, हमारी बिल्डिंग में एक मैस है, वहाँ किसी आदमी का खून हो गया है, ब्योमकेश बख्शी खुद तहकीकात करते, आपको तकलीफ नहीं देते, लेकिन वो कलकत्ते में नहीं है। जी हाँ, धन्यवाद, फॉरन आ जाइए प्लीज। पिस्तौल उधर है, सुनील। यस सर। तुम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। जी। और तुम मेरे साथ चलो। मेरा नाम शिवकाली चक्रवर्ती है, शिवकाली चक्रवर्ती। उम्र 50, आज जन्म ब्रह्मचारी हूँ, 25 साल से ये मेस चला रहा हूँ, 25 साल से। नटवरलाल के बारे में क्या जानते हो? जी, नटवरलाल नस्कर करीब करीब 3 साल पहले यहाँ रहने के लिए आए थे।
उम्र करीब करीब 50 साल के थे। वो बहुत ही कम बोलने वाले सज्जन व्यक्ति थे। किसी से उनका खास मेलजोल नहीं था। हाँ, सिर्फ राम बाबू और बनमाली बाबू कभी कभी उनसे मिलते थे। वो हर महीने के 1 तारीख को हमारे पैसे चुका देते थे। क्या काम करता था वो? बहु बाजार में दलाली का काम करता था। दलाली का काम मुझे तो ऐसे ही बताया था। वो ऐसा है। मेरा नाम भूपेश कुमार चटर्जी, उम्र 45 साल। पत्नी का देहांत हो गया और बाल बच्चे नहीं है। एक बीमा कंपनी में नौकरी करता हूँ। 2 महीने पहले मेरा ट्रांसफर कलकत्ता में हुआ था। जब से मैं इसी मेस में रहता हूँ। और कोई घर नहीं है मेरा। हाँ, ताश खेलने का बहुत शौक है मुझे। पिछले 1 हफ्ते से मैं अपने कमरे में, हम 4 लोग ब्रिज खेलते थे। आज शाम को जब मैं अपनी खिड़की खोली तो नीचे एक बम से फटने की आवाज़ हुई। मैंने बाहर झांक के देखा तो एक आदमी को गेरुए रंग का शॉल ओढ़े भाग रहा था। वो गली से बाहर भाग के चौड़े रास्ते की तरफ चला गया। कौन था वो, पहचानते हो? जी, वो भागते हुए की पीठ ही देखी थी। अब शक्ल से पहचानना तो मुश्किल है। ठीक है, चलो। जी, मेरा नाम रामचंद्र राय है, उम्र 46 साल। मैं देश विभाजन से पहले ढाका में रहता था। देश विभाजन के समय हुए दंगे में मेरा सारा परिवार मारा गया। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर कलकत्ता चला आया। कलकत्ता आने से 4 साल से मैं इसी मेस में रह रहा हूँ। आजकल एक बैंक में नौकरी करता हूँ। नटवर लाल को मैं ढाका से पहचानता था। बस मामूली सी जान पहचान थी। इस मामूली जान पहचान की वजह से मैं उससे मिलता रहता था। मेरा नाम बनमाली चंद्र है, उम्र 42 साल। देश विभाजन से पहले मैं भी ढाका में रहता था। मैं और वो राम बाबू, हम एक विलायती कंपनी में काम करते थे। देश विभाजन के दंगे में मेरे परिवार के भी सारे सदस्य मारे गए। मैं और राम बाबू भाग कर कलकत्ते आ गए और यहाँ एक बैंक में काम करते हैं। पिछले 4 साल से इसी में इसके कमरे में रहते हैं। गेरुआ रंग की शाल ओढ़े हुए आदमी को पहचानते हो? नहीं, शाम की ढलती रोशनी में सिर्फ ऐसा लगा जैसे कोई आदमी गली से बाहर निकल गया। वो आदमी अगर मेरे सामने भी आया तो मैं उसे नहीं पहचान सकता। अच्छा, और कौन है इस मेस में? सर, मैं इस मेस का नौकर हूँ। मेरा नाम हरी पर्दा है। 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी उम्र 40 साल की है। नटवर बाबू को जब भी कुछ ज़रूरत होती तो मैं उनकी सेवा किया करता था। बहुत ही सज्जन आदमी थे। शाम को जब खून हुआ था तब की बात बताओ, तब उसे देखा था? शाम को 6 बजे सुरेन बाबू ने मुझे बाहर से आलू की चाट लाने को कहा। जब चाट लेकर वापस मैं ऊपर जा रहा था तो नटवर बाबू के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे झगड़ा हो रहा हो। कमरे का दरवाज़ा बंद था इसलिए अंदर कौन था कुछ पता नहीं चला। तभी मुझे कुछ ऐसा लगा कि किससे नटवर बाबू झगड़ा कर रहे हैं। शाम को कौन गया था उसके कमरे में? तो इसका मतलब यह है कि मौत से कोई आधा घंटा पहले नटवर लाल के कमरे में कोई गया था और वो अजनबी था, इस मैच का नहीं था, और वो गेरवे रंग की शाल ओढ़े हुए था। नोट करो सब। और देखो अजीत बाबू और मैनेजर बाबू, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता आप मेरी इजाजत के बगैर कलकत्ता से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? मैं क्यों? इसलिए कि मैनेजर बाबू गेरवे रंग की शाल लपेटे हुए और आपकी शाल का रंग भी कुछ वैसा ही है। ये गेरवा कहाँ है? ये तो कथे रंग की शॉल है। दूर से यही गेरवा लगता है, क्या समझे? चलो, अब मैं खाना तलाशी लूंगा। और मेरे साथ। तुम एक काम करो, तुम इस नटवरलाल मृत्युकांड को तरदीप वार लिख डालो और जब वो वापस आ जाएंगे तो उन्हें पढ़ने को दो। देखो, शायद कोई काम बन जाए। शाबाश भाभी, तुमने तो 1 लाख रुपए की राय दी। मैं भी शुरू हो जाता हूँ। अरे, इस काम के सामने ताश कुछ भी नहीं है।
नटवरलाल हत्याकांड की पूरी कहानी दे दी है पढ़ने को। अब देखते हैं क्या कहते हैं ब्योमकेश बाबू। तुमने ये भी बताया कि ये सब लिखने की राय मैंने दी थी? हाँ बाबा बिल्कुल बताया है, मुझे भी तो यही रहना है। इंस्पेक्टर ने तुम्हें शहर बंद करके रखा है? हाँ। क्या समझते अपने आप को, उसे तो मिलना ही होगा। यहाँ तो पहले उस क्या भूपेश बाबू से नीचे मिल लेते। लो शुरू हो गए फिर से। अरे आइए आइए आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भूमकेश, ये भूपेश बाबू, ये राम बाबू और ये बनमाली बाबू। नमस्ते। कितने भाग्यशाली हैं हम के हमारे यहाँ ब्योमकेश बाबू पधारे। मैं तो कटक गया हुआ था, बस आज ही लौटा हूँ। आते ही अजीत ने नटवरलाल बाबू की मौत की खबर सुनाई। वैसे तो कोई जान पहचान नहीं थी उनसे, लेकिन उनकी मौत की खबर सुन के कुछ अजीब सा लगा। अपनी ही बिल्डिंग में किसी की हत्या हो और हम चुपचाप बैठे रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। बस चला आया आप लोगों से मुलाकात करने। ये आपने बड़ा अच्छा किया। बहुत अच्छा हुआ कि नटवर बाबू की हत्या हो गई, इसी बहाने आपके दर्शन तो करने को मिले। अभी हमारी मेस में लीजिए साहब गर्मा गर्म चाय। ब्रिज का खेल दिमागी कसरत है, जिसकी बुद्धि प्रखर हो वही इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यहाँ तो कभी कभी लोग अपना निजी गम भुलाने के लिए इस तरह के खेल खेला करते हैं। एक सज्जन थे जिन्हें मैं जानता था, वो अपने बेटे की मौत को भूलने के लिए ब्रिज खेलते थे। आप सच कह रहे हैं? बहुत दिनों की बात है। कॉलेज में पढ़ता था तब। क्यों क्या हुआ? मेरे बेटे की तस्वीर है। आपका बेटा? जी, लेकिन गुजर गया। जिस दिन ढाका में दंगे फसाद शुरू हुए थे, ये स्कूल गया था, फिर लौट कर नहीं आया। आपकी पत्नी कहाँ है? वो भी गुजर गई। दिल की कमजोर थी, बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब तो सिर्फ मैं ही बचा हूं। 5-6 साल काफी होते हैं भूल जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं भूल सका। ताश खेलता हूं, काम करता हूं, हंसी मजाक करता हूं, लेकिन फिर भी उनकी याद आती है। ब्योमकेश बाबू, क्या गम के भुलाने का कोई इलाज है? दो इलाज है। एक तो मौत, जिसके साथ सब दुख तत्व मिट जाते हैं, लेकिन मौत का तो कोई भरोसा नहीं ना। इसीलिए एक और इलाज है, वो ये है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, काम कीजिए जैसा आप कह रहे हैं, ताश खेलिए, हंसी मजाक कीजिए और रोज की समस्याओं से जूझते रहिए। अच्छा भूपेश बाबू, आप नटवरलाल के बारे में क्या जानते हैं? मैं नटवरलाल को बिल्कुल नहीं जानता। जिंदा अवस्था में तो मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। हाँ, ये इन दोनों का नटवरलाल से कुछ परिचय था। जी वो नटवरलाल कैसे आदमी थे, आप कुछ बता सकते हैं? वो ठीक ही थे, भले मानुष थे, लेकिन देखिए नटवरलाल से हमारी कोई गहरी जान पहचान नहीं थी। जब हम ढाका में रहते थे तो उनका मकान हमारे मकान से लगा हुआ था, बस इसीलिए उनसे तुम्हारी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। अब उनके चाल चलन के बारे में तो हमें कुछ मालूम नहीं। आप लोग ढाका में कितने दिन पहले थे? यही कोई 5-6 साल पहले, जब देश विभाजन के साथ साथ दंगा फसाद शुरू हुआ तो हम लोग कलकत्ता चले आए। बनमाली बाबू, आप दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे? जी जी, वो आपने गॉडफ्रे ब्राउन कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी विलायती कंपनी है। हम दोनों वहीं साथ साथ
बनमाली, हमें 6 बजे राम बाबू के यहाँ पहुँचना है, मालूम है तुम्हें? चलो चलो चलो। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। ब्योमकेश बाबू, आपके सवाल तो सीधे सीधे थे, लेकिन राम बाबू को आपकी कोई बात कहीं बुरी लगी है। मेरी बात बुरी लगी? मेरी तो समझ में नहीं आया ये, आप ही बताइए। भाई मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। दंगे फसाद वाले दिनों में मैं भी ढाका में था, लेकिन मेरी इनसे कोई जान पहचान नहीं थी। इनके अतीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। दंगों के वक्त आप भी ढाका में थे? हाँ, दंगे फसाद शुरू होने के 1 साल पहले ही मैं ट्रांसफर होकर ढाका चला गया था, और फिर पार्टीशन के बाद मैं यहाँ आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बाबू, आपको बहुत कष्ट दिया। नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी इंस्पेक्टर से मिले। अजीत बाहर आ ही गए हैं तो पिछवाड़े की गली में देख लेते हैं। कौन सी गली? अरे यहीं, जहां से वो बादामी शॉल ओढ़े आदमी गोली मार कर भाग गया था। 3 दिन बाद भी क्या हत्यारे का कोई निशान मिल सकता है? अगर ये खिड़की खुली रहे हाँ। तो कोई भी आदमी आसानी से गोली मार सकता है। वो देखो, ये तो भूपेश की खिड़की से भी पता चल सकता है। ये दाग कैसा है? पता नहीं, यहां कभी कोई झाड़ू लगाता भी है नहीं। दाग बहुत पुराना लगता है, तुम्हें क्या लगता है? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? जमीन पर नाक क्यों रगड़ रहे हो? नाक नहीं रगड़ रहा था, सूंघ रहा था। अरे ब्योमकेश बाबू, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आज का दिन तो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, आपके दर्शन जो हो गए। सौभाग्यशाली तो मैं भी हूँ जो आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। आधा दिन तो गायब ही रहते हैं। क्या करूँ, काम लगा रहता है। कहिए, कैसे तकलीफ की आपने? नटवरलाल के खून के मामले में आप कहां तक पहुंचे हैं? हत्यारे का पता चला? ब्योमकेश बाबू बैठिए। आपको मालूम है इस कलकत्ता की आबादी कितनी है, बताइए? कभी गिनकर तो नहीं देखा? 50 लाख तो होगी। चलो 50 लाख ही सही, यानी आधा करोड़ की आबादी में एक ऐसे आदमी को जिसने गेरुए रंग की शाल ओढ़ी हुई हो, ढूंढना आसान है। आप ढूंढ सकेंगे उसे? मेरे पास अगर सारे क्लूज मौजूद हों तो जरूर ढूंढ सकता। देखिए, वैसे तो बाहर के आदमियों को सारी बातें बताना कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पूछिए। नटवरलाल के रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता चला? अखबारों में इश्तेहार दिया था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? दिल के पास के हड्डी को तोड़कर गोली सीधी दिल को जाके लगी है। जो पिस्तौल मिली है उसे मिलाकर देखा है, ये गोली उसी पिस्तौल की है। और कुछ? वैसे तो नटवरलाल का स्वास्थ्य ठीक था, सिर्फ एक आंख में रतौली निकलने वाली थी। पिस्तौल का मालिक कौन है या था? अमेरिकन फौजी पिस्तौल है, काले बाजार में मिलती है। मालिक का पता लगाना बहुत मुश्किल है। कमरे की तलाशी में कुछ मिला? जरूरी चीजें जो मिली हैं उधर उस टेबल पर रखी। एक घड़ी है, नगद 5 रुपए हैं, बैंक की पासबुक है, और अदालत की राय के कुछ कागजात हैं वो सामने रखे हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। असामी कौन है, उसे पकड़ लिया क्या? नहीं, अभी नहीं पकड़ा नहीं गया, लेकिन मुझे तो यहाँ आने से पहले ही पता चल चुका था कि वो कौन है। लेकिन इस इंस्पेक्टर के सोचने का तरीका ही कुछ अजीब है। असामी को पकड़ना इसके बस की बात नहीं, कुछ उल्टी खोपड़ी का है। नटवरलाल का खूनी कौन है, क्या कोई जान पहचान वाला आदमी है? वो बाद में बताऊंगा, तुम एक काम करो, घर जाओ और आज शाम को हमारे यहाँ एक टी पार्टी रखो। टी पार्टी? सुनो तो सही, भूपेश, राम बाबू, बनमाली बाबू सबको बुला लो। हाँ। यहाँ कलकत्ते में एक गॉडफ्रे ब्राउन की बड़ी कंपनी है। मैं वहाँ जाकर राम बाबू, बनमाली बाबू के बारे में पूछताछ करके आता हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ, तुम घर जाओ। चलो।
क्या बात है मुकेश, हैं? गॉडफ्रे ब्राउन में क्या पता चला? पहले ये बात जान लो कि नटवरलाल का पेशा था ब्लैकमेल करना। अच्छा? हाँ। अच्छा वो भूपेश बाबू, राम बाबू, बनमाली बाबू को न्योता दे आयो? हाँ, आज शाम को तीनों आ रहे हैं। लेकिन ये गॉडफ्रे ब्राउन में क्या पता चला? पुलिस स्टेशन में नटवरलाल के सामान में अदालत की राय की एक नकल थी। उसे पढ़कर पता चला कि गॉडफ्रे ब्राउन के ढाका वाले ब्रांच में रास बिहारी विश्वास और बन बिहारी विश्वास नाम के दो भाई खजांची और उसके सहायक का काम करते थे। करीब 7 साल पहले रुपए की हेराफेरी में दोनों गिरफ्तार हो गए। रास बिहारी को 2 साल और बन बिहारी को 3 साल की सजा हुई। अदालत की इस राय की नकल नटवरलाल ने हासिल की। तुम्हें याद है उसकी डायरी में लिखा हुआ था कि हर महीने उसे 80 रुपए मिलते हैं। किससे? रास बिहारी विश्वास और बन बिहारी विश्वास से। आज मैं गॉडफ्रे ब्राउन की कंपनी में गया और चोरी के मामले में छानबीन की। बात तो सच है, इसमें कोई शक नहीं कि नटवरलाल उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन रास बिहारी, बन बिहारी ये कौन है और कहाँ रहते हैं? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने नीचे वाले मेस में कमरा नंबर 3 में देखो, वहीं मिलेंगे। क्या राम बाबू और बनमाली बाबू? तुम्हारा अंदाज़ा कुछ कुछ ठीक ही था। दोनों मोसेरे भाई नहीं हैं, सगे भाई हैं। और अगर चोर चोर मोसेरे भाई की कहावत को सत्य रूप देना चाहते हो तो मोसेरे भाई कह सकते हो। नहीं 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 नहीं, क्या ये लोग नटवरलाल का खून नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब नटवरलाल का खून हुआ ये लोग। अच्छा सब्र करो सब्र करो, सारी कहानी तुम्हें आज शाम की पार्टी में पता चल जाएगी। आइए आइए भूपेश बाबू, बैठिए बैठिए। भाई अगर आप लोग चाहें तो खेलने का इंतजाम यहीं हो सकता है। नमस्कार। नमस्कार। आज ही पुलिस स्टेशन गया था इंस्पेक्टर गुहा से मिलने, नटवरलाल हत्याकांड के सिलसिले में। हाँ भाई, कुछ कुछ पता चला? नहीं अभी कुछ नहीं। अरे तुम तो कह रहे थे कुछ पता चल गया। नहीं, बात हो रही थी कि कुछ पता चला या नहीं। धन्यवाद। बन बिहारी बाबू आप भी लीजिए ना। मैं सिगरेट नहीं पी। मेरा मेरा नाम, मैं जानता हूं कि आप दोनों सगे भाई हैं। आप दोनों का असली नाम रास बिहारी विश्वास और बन बिहारी विश्वास है। नटवरलाल आप दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था, हर महीने आप दोनों से 80-80 रुपए ऐंठ रहा था। ठीक है ना? नटवरलाल बड़ा शैतान आदमी था, ढाका में रहता था, लोगों को दिखाता था कि दलाली का काम कर रहा है, असल में वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। जब उसे पता चला कि आप दोनों चोरी के मामले में जेल गए हैं तो उसने आगे की सोचकर अदालत की राय हासिल की। मुझे पूरा यकीन है कि हर चोरी के मामले की अदालत की राय इकट्ठी कर रखी थी, न जाने कौन सी कब काम आ जाए। फिर जब आप जेल से निकल कर नई नौकरी करेंगे, आप लोगों को ब्लैकमेल करेगा, आप लोगों से रुपए ऐंठेगा। लेकिन तब देश का बंटवारा हो गया, ढाका में उनका धंधा बंद हो गया, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ कलकत्ते आ बसे। नया शहर था, काम शुरू किया, कानूनी या गैर कानूनी कुछ भी जम नहीं पा रहा था। संयोग की बात है कि वो इसी मेस में आया, आप लोगों को देखा, पहचान गया। उसने पता लगाया कि आप दोनों अपना असली नाम छुपा कर किस बैंक में काम कर रहे हैं। उसने कहा होगा पैसे फेंको वरना बैंक में बतला दूंगा। आप लाचार थे, पैसे देना शुरू किया। लेकिन नटवरलाल से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था, किसी तरह नटवरलाल का खून हो जाए। दुहाई व्योमकेश बाबू, हमने नटवरलाल की हत्या नहीं की है। नटवर की जब मौत हुई हम भूपेश बाबू के कमरे में थे। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप दोनों बैंक में काम करते हैं। अगर वहां कभी रुपयों की गड़बड़ी हुई तो मुझे आप दोनों की असलियत बतानी पड़ेगी। जिंदगी में एक बार गलती हो गई, बार बार नहीं होगी सर, बार बार नहीं होगी। ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हैं, मान लेते हैं। अजीत और मैं अपना मुंह बंद रखेंगे, आप हमारे लिए आज भी राम बाबू, बनमाली बाबू रहेंगे। मैं आपकी दया दृष्टि
जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन भी बहुत बेचैन सा हो रहा है। मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, मैं जाकर कुछ सोना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए। मैं भी भैया के साथ जाता हूँ, कोई जरूरत हुई तो। हाँ जरूर। ये राम और बनमाली का नटवरलाल के साथ लेन देन का संबंध है, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। ब्योमकेश बाबू, लगता है नटवरलाल के बारे में आपको सब मालूम पड़ गया। क्यों? सब कुछ मालूम है ये तो कह नहीं सकता, लेकिन काफी कुछ भांप जरूर गया हूं। आपको जो कहना है वो कहिए, अगर कोई संशोधन हुआ तो मैं बता दूंगा। अजीत, तुमने जो नटवरलाल की मौत के बारे में बयान लिखा था उसे पढ़कर ही मुझे खटका सा लगा। पिस्तौल की गोली की आवाज बम या पटाखे की आवाज जैसी नहीं होती, लेकिन यह बात तो साफ है कि नटवरलाल की मौत पिस्तौल की गोली से हुई। उधर नटवरलाल की खिड़की में पिस्तौल मिली। सवाल ये उठता है कि हत्यारा वहां खिड़की में पिस्तौल क्यों छोड़ गया। इसकी वजह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि इस सहज और स्वाभाविक माहौल की आड़ में जरूर जबरदस्त धोखा है। फिर आज जब हम पुलिस स्टेशन गए तो लगा चलो गली में भी देख लें, शायद कोई क्लू या निशान मिल जाए। और हमें निशान मिला। वहां नटवरलाल की खिड़की के पास नीचे गली की जमीन पर पटाखे फटने का एक भूरा सा दाग मिला। नीचे सुनकर देखा तो हल्की सी बारूद की बू भी आ रही थी। इसका मतलब है कि किसी ने ऊपर से पटाखा फेंका, ऊपर यानी कि भूपेश बाबू के कमरे से। अब आते हैं भूपेश बाबू के कमरे में। उस दिन शाम को भूपेश बाबू अपने कमरे में गए। रात को बन बिहारी और रास बिहारी ताश खेलने आए, लेकिन अजीत के बिना खेल शुरू नहीं हो पाया। दो तीन मिनट बाद अजीत के कदमों की आहट सुनते ही भूपेश बाबू खिड़की की तरफ गए, साथ ही साथ एक धमाकेदार आवाज सुनाई दी। रास बिहारी और बन बिहारी भी खिड़की की तरफ भागे। भूपेश बाबू चीख उठे, अरे वो देखो गली से भाग रहा है, गेरुआ शॉल ओढ़े हुए। रास बिहारी बन बिहारी ने झांक कर देखा। वहां जहां गली बड़े रास्ते से जा मिलती है तो लोग आ जा रहे थे। अब अगर कोई कोशिश करे तो इस तरह की गलतफहमी पैदा करना तो बड़ा आसान था। फिर मैस के नौकर ने बताया कि शाम को नटवरलाल के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, ऐसी आवाजें जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। अभी हो सकता है कि उस वक्त जो नटवरलाल के कमरे में था खून उसी ने किया है। अपने बचाव के लिए मौत का समय 20 या 25 मिनट आगे बढ़ा दिया। 20 या 25 मिनट का फर्क पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पकड़ा नहीं जाता। बस ये बातें सोचकर मुझे ऐसा लगा कि खून करने वाला बाहर का आदमी नहीं बल्कि अंदर मेस का कोई है। बस ये सब सोचकर मैं भाप गया कि सारा शक आप पर पड़ता है भूपेश बाबू, सिर्फ आप पर। उस शाम को करीब 6 बजे आप अंधेरा होते ही चुपचाप नीचे उतरे। आपके हाथ में पिस्तौल थी, आप नटवरलाल के कमरे में गए, बातचीत हुई, गर्मा गर्मी हुई और आपने पिस्तौल निकालकर उन्हें गोली मार दी। फिर आपने खिड़की खोलकर पिस्तौल वहीं अटका दी और चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गए। फिर रास बिहारी बन बिहारी आपके कमरे में आए ताश खेलने के लिए। आपने जाकर अपनी खिड़की खोली, पटाखा फेंका, धमाके सी आवाज सुनाई दी। बन बिहारी रास बिहारी खिड़की की तरफ भागे। फिर आपने उस गेरुआ चादर ओढ़े काल्पनिक आदमी की कहानी सुनाई। फिर क्या, पुलिस आई लाश लेकर चली गई, खेल खत्म। क्यों, कहीं कुछ रह गया क्या? नहीं, सब ठीक है, गलती मुझसे हुई थी। आप इतनी जल्दी लौट आएंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था जब तक आप वापस आएंगे तब तक ये खून का मामला ठंडा पड़ जाएगा। दो सवालों का जवाब नहीं मिला मुझे। एक तो ये कि खून करने का मकसद क्या था, दूसरा
किसी ने पिस्तौल चलाने की आवाज क्यों नहीं सुनी? आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं। मैं यही शॉल लेकर नटवर के कमरे में गया था और इसी शॉल से पिस्तौल का मुंह ढककर गोली चलाई थी, इसलिए शॉल में गोली की आवाज दबकर रह गई। और पहला सवाल, आपको याद है मैंने अपने बेटे की तस्वीर आपको दिखाई थी, वो इसलिए कि मुझे यकीन था कि आपको एक ना एक दिन सच का जरूर पता चल जाएगा। मैंने इसीलिए अपनी सफाई पहले ही पेश कर दी थी। ढाका में जिस दिन दंगे फसाद शुरू हुए, उसी दिन नटवर मेरे बेटे को स्कूल से फुसला कर कहीं ले गया और फिर मेरे घर आकर 10,000 रुपए मांगे उसने मेरे बेटे को छोड़ने के। मेरे पास इतने रुपए नहीं थे, मेरे पास जो था मैंने सब दे दिया, अपनी पत्नी के गहने भी दे दिए। वो लेकर चला गया लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आया। इसी गम में मेरी पत्नी भी चल बसी। कुछ साल बाद जब मैं कलकत्ते आया तो अचानक मुझे नटवर दिखाई दिया। मैं उसके पीछे हो लिया और जिस मेस में वो रहता था मैंने भी वहीं रहना शुरू कर दिया। और फिर मैं समझ गया, और कहने की जरूरत नहीं। अब आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? साहित्य सम्राट शरदचंद्र ने कहा कि कौवे को मारने से फांसी नहीं होती। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि गिद्ध को मारने से भी फांसी नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, अपना किस्सा सुनाइए। अदालत में केस जाएगा लेकिन मुझे तो पूरा यकीन नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि अदालत जरूर सहानुभूति से पेश आएगी।